नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी रात के 8 बजे हम आपके साथ हैं और एक बेहतर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लेकर, जिस टॉपिक का नाम है गुरुत्व और गुरुत्व के गति, यानी ग्रेविटेशन एंड मोशन ऑफ ग्रेविटेशन। टॉपिक का नाम क्या है भाई? ग्रेविटेशन एंड मोशन ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्व के गति। आप देखते होंगे मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चे तो हमको लगता है रेगुलर अच्छे तरीका से पूरी वीडियो को देखते हैं और उसका प्रैक्टिस भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल बना के इस नंबर पे व्हाट्सअप भी किए हैं, काफी अच्छा लगा। कुछ यूपी के, झारखंड के बच्चे थे जो बोले कि सर रेगुलर पढ़ते हैं और इसी तरह का एक फॉर्मेट पर हम क्या करते हैं, आपका न्यूमेरिकल बनाते हैं। यकीन मानो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप भले ही नहीं भेजते हैं लेकिन आप लोग भी उसी तरह से रेगुलर वे में टॉपिक वाइज सारे न्यूमेरिकल को बनाते हैं। यदि कुछ बच्चे नहीं बना पा रहे हैं या उनका छूट गया है तो आप ये मत सोचिए क्लास छूट गया है या हम 8 बजे नहीं देख पाए। प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूमेरिकल का, हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो न्यूमेरिकल करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें अब तक केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैक्सिमम न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज हम बता चुके हैं। तो अब तक जितना भी न्यूमेरिकल बताए सारा का प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल है, आप उसको देखकर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आने वाले एग्जाम में जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसका बेहतर जवाब दे सके। पक्का? तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन एंड मोशन ऑफ ग्रेविटेशन का जो है आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए पहला सवाल क्या है भाई। देखिए बाबू, सबसे पहला सवाल कहता है, एकदम आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। कहता है कि यदि पृथ्वी की सतह पर, यानी जिस पर हम लोग हैं, अरे हम लोग आप लोग अभी जहां हैं, इस पृथ्वी की सतह के बारे में बोला कि यदि इस पृथ्वी की सतह पर उस व्यक्ति का या उस वस्तु को मापा गया तो उसका भार कितना न्यूटन है, तो 60 न्यूटन है। तो कहता उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। क्लियर? उसी वस्तु का भार कहां बोला कि चंद्रमा की सतह पर मापने पर उसका भार क्या होगा। यानी पृथ्वी पर भार यदि 60 न्यूटन है तो बताइए कि चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। कभी कभी इसी में देखिएगा सवाल पूछेगा कि चंद्रमा पर भार इतना न्यूटन है तो बताइए पृथ्वी की सतह पर भार कितना न्यूटन होगा। कभी कभी इसी में देखिएगा सवाल पूछेगा कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान ये भार दिया था, कभी कभी द्रव्यमान वाला पूछता है कि द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर इतना है तो बताइए चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो इस तरह के कई एक सवाल आपसे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो उसका सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं और कॉन्सेप्ट जानने के बाद आराम से आप यह जान लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में और आराम से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है तो ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लिया जाए यदि यह पृथ्वी की सतह मान लिया जाए तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान है यह आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी का मान घटता है। जी का मान क्या होता बाबू? घटता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी सतह से यदि आप ऊपर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? घटता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जी का मान क्या होगा बाबू रे? घटता चला जाएगा। तो चंद्रमा पर यदि हम चले जाते हैं, मान लिया जाए ये मून है ये चंद्रमा है, तो यदि आप चंद्रमा पर चले जाते हैं तो वहां पर जी का मान क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा। सवाल यह है कि वहां पर जी का मान कितना कम होता है, तो पृथ्वी पर के जी के मान का g/6, यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का जितना भार रहेगा उसके भार का g/6 कहां पर होगा? कहां पर होगा? तो चंद्रमा पर होगा। यानी चंद्रमा पर जी का मान कम होता है इसलिए वस्तु का भार भी क्या होता है? कम होता है। तो यह हम आपको भार के बारे में बता रहे थे कि किसी वस्तु का भार जो है वो किस पर डिपेंड करता है। किसी वस्तु का भार जो है ये स्मॉल जी पर डिपेंड करता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, यानी मोशन अंडर द ग्रेविटेशन पर डिपेंड करता है, यानी स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। क्या चीज? वस्तु का भार।
इसलिए चंद्रमा पर भार कम होगा और पृथ्वी पर भार क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पृथ्वी पर जितना भार है उसके भार में 1/6 से यदि आप मल्टीपल कर देंगे तो वो कहां का भार होगा, तो वो आपके चंद्रमा का भार होगा। तो मान लिया जाए क्वेश्चन में दिया था कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना है, 60 न्यूटन है, तो बोला बताइए चंद्रमा पर कितना होगा, तो 60 × 1/6 चंद्रमा पर कितना होगा, तो 60 × 1/6 करेंगे कितना, 10 न्यूटन। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, यदि पृथ्वी पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, 10 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, 10 न्यूटन होगा। तो भार किस पर डिपेंड किया, जी के मान पर, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर जी का मान ज्यादा इसलिए चंद्रमा पर जी का मान कम, कितना गुना कम, 1/6 गुना कम। चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना गुना कम, तो 1/6 गुना कम। यह आपका कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी देख रहे होंगे आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस तो वस्तु का भार कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। कैसे निकालेंगे, तो पृथ्वी पर जितना भार है इसको 1/6 से गुना कर देंगे तो चंद्रमा पर निकल जाएगा। और चंद्रमा पर जितना भार रहेगा उसमें क्या करेंगे, उसमें 6 से गुना करेंगे तो पृथ्वी का भार निकल जाएगा। तो भार परिवर्तित तो होता है, लेकिन गौर फरमाना, ध्यान लगाना, यदि आपसे मास की बात किया जाएगा, यदि आपसे द्रव्यमान की बात किया जाएगा, किसी वस्तु के मास की बात किया जाएगा, तो मास कभी भी नहीं बदलता है। मास नेवर बी चेंज, मास कभी नहीं बदलता है, चाहे पृथ्वी पर हो, विषुवत रेखा पर हो, चंद्रमा पर हो, सूर्य पर हो, या पृथ्वी के पोल पर क्यों ना हो, चेंज कभी भी नहीं होता है। क्या चीज, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की बात किया जाए, उसके द्रव्यमान की बात किया जाए, तो नेवर बी चेंज, कभी भी नहीं बदलता है। क्लियर, वो कभी भी नहीं बदलता है, ध्यान रखेंगे। मास, अतः पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु का मास 60 किलोग्राम है, कहां पर, पृथ्वी पर, तो उसका चंद्रमा के बारे में पूछा जाएगा तो चंद्रमा पर भी कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम रहेगा तो चंद्रमा पर भी 10 किलोग्राम हो जाएगा, विषुवत रेखा पर भी 10 किलोग्राम हो जाएगा, सूर्य पर भी 10 किलोग्राम हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर भी 10 किलोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किलोग्राम द्रव्यमान का यूनिट होता है। और याद रखना है कि कभी भी किसी वस्तु का मास नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन किसी वस्तु के भार की बात करेंगे तो डब्ल्यू जो है, यानी वेट जो है, डब्ल्यू बराबर, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, एमजी, आप सभी लोग पढ़े होंगे, मास में जब जी से गुना किया जाता है, जब मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन से गुना किया जाता है तब वस्तु का वेट निकलता है। अतः मास दिया हो और वेट पूछे तो क्या करेंगे, जी से गुना कर देंगे, और वेट दिया हो मास पूछे तब जी से क्या करेंगे, भाग देंगे। और जी का मान होता कितना है, पृथ्वी की सतह के लिए 10 होता है और चंद्रमा के लिए 1/6 होता है, पक्का ना। चलिए, तो ये हम उम्मीद करेंगे ये पूरी कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। चलिए, तो आइए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये था कि वस्तु या व्यक्ति का भार पृथ्वी की सतह पर क्या न्यूटन, 60 न्यूटन, तो बताइए चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा। तो आपको पृथ्वी पर यानी अर्थ के बारे में दे दिया था कि अर्थ पर 60 न्यूटन था, तो बोला मून पर क्या होगा, यानी चंद्रमा पर क्या होगा, तो 60 × 1/6। क्या बोले थे कि जितना पृथ्वी पर दिया हुआ रहेगा और चंद्रमा पर पूछेगा तो 1/6 से गुना कर देना है। 1/6 से क्या करना बउआ रे, गुना कर देना है। तो 6 से गुना किए कितना हो गया भाई, 10। तो आंसर क्या होगा भाई रे, तो आंसर हो जाएगा भाई मेरे 10 न्यूटन। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी पर यदि वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 10 न्यूटन होगा। काहे, तो 60 × 1/6 इसका मतलब कितना न्यूटन बाबू रे, तो 10 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन बाबू, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह सवाल आपको एकदम इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता भाई, एकदम आराम से देखिएगा, ये अगला सवाल कहता है, एकदम गौर फरमाना, ध्यान लगाना, क्या कहता है कि चंद्रमा पर जी का मान
पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 होता है। इत बात सबको पता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जितना भार रहेगा उसके भार का 1/6 कहां होता है, यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का जितना भार रहेगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 कहां होता है, चंद्रमा पर। तो क्वेश्चन क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, पृथ्वी के बारे में बोला कि यदि पृथ्वी पर कोई वस्तु जंप करता है कितना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बोले तो 1.5 मीटर, तो चंद्रमा पर कितना करेगा, तो यदि पृथ्वी पर वो 1.5 मीटर जंप करता है तो पृथ्वी से 6 गुना ज्यादा कहां जंप करेगा, चंद्रमा पर। कहे सर 6 गुना ज्यादा जंप करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटेशन 1/6 गुना क्या करता है, ज्यादा काम करता है, तो वहां पर 6 गुना क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा, यानी कम काम करेगा, यानी पृथ्वी पर ज्यादा ग्रेविटेशन काम करता है, इसलिए हम लोग 1.5 मीटर उछल सके, और वहां पर कम काम करेगा इसलिए वस्तु जंप क्या करेगा, ज्यादा। तो कितना ज्यादा करेगा, तो पृथ्वी पर उसका हाइट कितना होता था, 1.5 मीटर, तो चंद्रमा की बात, यह अर्थ का बात किया था, ये अर्थ पर उसका हाइट कितना उछलता था, 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन क्या कहा कि मून पर कितना उछलेगा, मून पर कितना उछलेगा, तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। काहे 6 से गुना किए, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा होता है, पृथ्वी पर क्या करता है वो जी खींचता है, लेकिन वहां पर जी कम काम करता है इसलिए ज्यादा उछलेगा। तो जहां जी का मान जितना कम होगा वहां ऑब्जेक्ट वह क्या होगा, उतना ज्यादा उछलेगा, और जहां जी का मान जितना कम होगा वहां वस्तु का वेट उतना ही कम होगा। तो 6 को यदि 1.5 से गुना कर देंगे तो 6 × 35 = 639, आंसर कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। यानी चंद्रमा पर जो है मून पर वह व्यक्ति कितना उछलेगा, तो यदि पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो समझिए चंद्रमा पर 9 मीटर का उछाल लगाएगा। है किसी ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर बी में है, अतः आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। यानी पृथ्वी पर यदि 1.5 मीटर उछलता है तो वहां वो 9 मीटर उछलेगा, और यदि पृथ्वी पर 9 मीटर उछलेगा तो वहां कितना उछलेगा, 9×6 = 54, वहां पर वो 54 उछलेगा। यानी जितना पृथ्वी पर उछलेगा इससे 6 गुना ज्यादा कहां उछलेगा, चंद्रमा पर, और जितना चंद्रमा पर उछलेगा उससे 6 गुना कम कहां उछलेगा, तो पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जितना उछला इससे 6 गुना ज्यादा चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर जितना उछलेगा उससे 6 गुना कम पृथ्वी पर। पक्का ना, चलिए तो सबका क्लियर हो गया। देखिए एएलपी टेक्नीशियन 2018 में ये पूछा गया सवाल है, देखने में बड़ा टफ सवाल लगा कि भाई पृथ्वी पर यदि 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर भार कम होता है लेकिन उछलता लोग ज्यादा है, क्योंकि जी जितना जल्द कम काम करेगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, जंप करेगा, अतः पृथ्वी पर जितना मान देगा उसको 6 से गुना कीजिएगा तो चंद्रमा पर निकल जाएगा क्या चीज, वस्तु का उछाल कि कितना उछलेगा, और यदि भार की बात करेगा तो 1/6 से गुना हो जाएगा, द्रव्यमान की बात करेगा तो वही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान कभी भी किसी भी वस्तु का नहीं बदलता है। पक्का ना, चलिए तो सारे बच्चों का आंसर क्लियर हो गया, 9 मीटर। यदि आपके दिमाग में ये सब सेट हो रहा है बाबू, यदि आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत तुरंत आप लाइक और कमेंट भी कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, ताकि हर बच्चों तक क्या हो, ये हमारा सेशन पहुंच सके। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया कि पृथ्वी पर जितना कोई वस्तु उछलेगा उससे 6 गुना ज्यादा कहां उछलेगा भाई, तो चंद्रमा पर उछलेगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए एकदम आराम से कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, यानी कोई वस्तु पृथ्वी पर जो है उसका भार कितना न्यूटन है, 200 न्यूटन है। तो कहता है और द्रव्यमान कितना है, भार कहता है 200 न्यूटन है और द्रव्यमान कितना है भाई, तो 20 किलोग्राम है, तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, किसका मान पूछा, तो जी का मान पूछा, किसका मान पूछा, जी का मान। तो पृथ्वी पर भार कितना दे दिया, 200 न्यूटन और द्रव्यमान कितना दे दिया, 20 ग्राम। तो क्वेश्चन बोला जी का मान क्या होगा, आपको अभी तुरंत बताए थे W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी W बराबर mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। दिमाग में आ रहा है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यह फॉर्मूला है बाबू, ये आपका फॉर्मूला है और इसको ध्यान में रखना है, W बराबर mg,
W बराबर mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्व त्वरण। तो जब W बराबर mg होता है और g निकालना है तो g बराबर W बट्टा m हो जाएगा क्या? तो सभी बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अरे जब बाबू W बराबर mg तो g का मान क्या होगा? W बट्टा m, W बट्टा m। अब देखो W का मान कितना है भाई, 200 न्यूटन है, तो 200 न्यूटन बट्टा कितना, m का मान कितना है 20 किलोग्राम, 0 0 कट जाएगा, ई भी कट जाएगा 10 बार में, तो 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। और इस 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम को क्या कहते हैं, या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या निकल गया, g का मान है किसी ऑप्शन में क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में है। देखो यहां पर भी मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, पावर माइनस में है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ऑब्लिक यहां दिया हुआ था। अतः 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो गया, इन पृथ्वी पर भार दिया हुआ था, द्रव्यमान दिया हुआ था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान पूछा, गुरुत्व त्वरण का मान पूछा, तो फॉर्मूला हो गया W बराबर mg या g बराबर W बट्टा m। आराम से काट खोट किए तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। पक्का ना, एकदम दिमाग सेट होते जा रहा है, एक बार अपने से फिर से जरूर बनाइएगा बाबू, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह 100% आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा। पक्का हो रहा है, हो रहा है, जल्दी कमेंट करके यस सर लिखिए, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लिखो यस सर, जल्दी जल्दी लिखो बाबू यस सर कमेंट करके, ताकि हमको अच्छा लगे और आपको भी लगे कि चलिए भाई आप भी अच्छे तरीका से समझ रहे हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है, ये सवाल आप लोग से अपने बनना चाहिए क्योंकि अभी हम तुरंत आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कौन वाला, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, किसी स्थिति में नहीं बदलता है, चाहे वो पृथ्वी पर रहे, विषुवत रेखा पर रहे, पृथ्वी के केंद्र पर रहे, या चंद्रमा पर चला जाए, या सूर्य पर चला जाए, मास कभी किसी का बदलता नहीं है, द्रव्यमान कभी किसी का बदलता नहीं है, तो द्रव्यमान ऑलवेज एक जैसा रहता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 7 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना दिया, 7 किलोग्राम, तो क्वेश्चन बोला कि चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, कहां पर पूछा, चंद्रमा पर पूछा, चाहे वो कहीं भी पूछता, यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भी क्या होगा, 7 किलोग्राम होगा, क्योंकि ये बदलता नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा हो या पृथ्वी हो या विषुवत रेखा हो, कुछ भी हो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा हो या पोल हो यानी ध्रुव हो या केंद्र हो, कहीं की आपसे बात किया जाए, चंद्रमा की बात किया जाए या पृथ्वी की बात किया जाए, विषुवत रेखा की बात किया जाए, पोल की बात किया जाए, केंद्र की बात किया जाए, यदि इसने द्रव्यमान के बारे में पूछा, कहीं पर भी द्रव्यमान क्या होगा, तो याद रखिएगा बाबू, द्रव्यमान नेवर भी चेंज, वो कभी भी नहीं बदल सकता है, चाहे पोजीशन कुछ भी हो, द्रव्यमान हमेशा हर जगह क्या होता है, बराबर होगा, क्योंकि द्रव्यमान को जिससे कोई लेना देना नहीं है, मास कभी नहीं बदलता है। अतः पृथ्वी की सतह पर 7 केजी था तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 7 केजी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पक्का ना, सेट हो गया दिमाग में कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। चलिए मेरे दोस्त आइए अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान देंगे बाबू, अगला सवाल कहता है, एकदम गौर फरमाइएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना दे दिया, वजन कितना दे दिया, 200 न्यूटन दे दिया, तो कहता है कि बताइए कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान के बारे में बोला कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो यहीं पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। गौर कीजिएगा, W का मान कितना दे दिया, 200 न्यूटन दे दिया, और पृथ्वी की सतह पर G का मान कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर G का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, G का मान कितना होता है बाबू रे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला कि इसका मास क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर mg, W बराबर mg, तो m बराबर क्या होगा, W बट्टा g, W का मान 200 न्यूटन, जी का मान 10 किलोग्राम डिवाइड, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, तो कितना बार में कटेगा,
20 बार में, तो आंसर क्या हो गया, इसका मास कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम हो जाएगा। कितना किलोग्राम भाई, 20 किलोग्राम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो क्या किया बाबू, क्वेश्चन में डब्लू दिया हुआ था, पृथ्वी की सतह पर क्या दिया था, डब्लू कितना, 200 न्यूटन। और पृथ्वी की सतह पर जी के बारे में आपको पता है कि पृथ्वी की सतह की बात किया जाए तो जी का मान हमेशा जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो जी का मान पते था, डब्लू आपको पते था, एम पूछा तो डब्लू बराबर एम जी, इसलिए एम बराबर डब्लू बट्टा जी। तो 200 बट्टा कितना, 10, 200 बट्टा 10 करेंगे तो 20 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अतः इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर एक हो गया। पक्का ना, यदि आपके दिमाग में सेट करते जाता है तो बाबू आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में, फेसबुक से, हर आईडी जो आप यूज करते हैं, आप हमें प्रयास कीजिए आप अपने आईडी से अपने दोस्तों तक मुझे पहुंचाने का, क्योंकि आप ही लोग वो मार्ग हैं जिस मार्ग से हमें बच्चे जान पाएंगे। क्योंकि हम बंद कमरे में यूं ही पढ़ाते रह जाएंगे तो कोई हमको नहीं जानेगा। यदि आप चाहेंगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह जैसे भी आप शेयर करके हमें लोगों तक पहुंचाइए, अपने आप दोस्तों तक मुझे पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके दोस्त तक पहुंचकर हम भी उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले आ सके। क्योंकि अभी तक बच्चे साइंस के नाम से डर लगता है, लेकिन उम्मीद रखो, विश्वास रखो चेला, यदि किसी को साइंस से डर लगता है तो मेरा नाम उसको बता दो, मेरे चैनल से उसको जोड़ दो, साइंस का डर आज ही खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तुम मेरा नाम रख लेना, नहीं होगा तुमको कॉल कर बताना कि सर साइंस से डर मेरा खत्म नहीं हुआ है। तुम मानो या ना मानो, मगर यह हकीकत है, साइंस तो हर विद्यार्थी की जरूरत है। यदि किसी को साइंस न समझ में आएगा तो राहुल सावरना सर के पास भेजना, दिखा देंगे साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है, साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है। मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं कि 100% ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। पक्का ना, आ गया तो आप कमेंट में यस सर जरूर लिखिए, ताकि मुझे अच्छा लगे और हम समझ पाए कि बिल्कुल समझ रहे हैं। यस सर, चलिए आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं एकदम इसी तरह से। और सारा देखिए आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है, जितना भी सवाल हम आपको पढ़ाते हैं सब आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। तो चलिए आइए, क्या कहता है भाई ये सवाल, कहता है कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में, कहता है एक कार जो है वो पुल से नीचे गिर गया। गौर कीजिएगा, जब कार पुल से नीचे गिरा तो गिरने में समय कितना लगा, 0.8 सेकंड का समय लगा, यानी टाइम आपको दे दिया। कहता भूमि पर लटकाने के समय इसकी चाल कितना होगा, क्या आपसे पूछा, आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा, यानी पृथ्वी पर क्या कि भूमि पर टकराने के समय उसका चाल क्या होगा, यानी भूमि पर टकराया नहीं, टकराने के समय उसका चाल के बारे में बोला। तो अब गौर कीजिएगा, आपको टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया, आपको टी का मान कितना दे दिया, 0.8 सेकंड दे दिया, और जी कितना काम करता है आपको पता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो उस पर जी कहां कितना काम करता है, पृथ्वी के लिए जी काम करता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो टी का मान पता है, जी का मान पता है, अब चूंकि वस्तु नीचे की ओर गिरा है, कार नीचे की ओर गिरा है, तो यहां पर आपने फॉर्मूला क्या लगाइएगा, भी बराबर लगाइएगा यू प्लस जी टी। क्यों लगाइएगा, क्योंकि यहां पर आपने दो तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो सारा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, और जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा भाई, जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो सारा डायरेक्शन निगेटिव वाला होगा। तो कार पुल से नीचे गिरा है इसलिए भी बराबर यू प्लस जी टी, भी बराबर यू प्लस जी टी होगा। अब भी का मन तो आपसे पूछिए रहा था कि कार नीचे गिरने के समय उसका चाल क्या होगा, और यू का मन यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। कहेंगे क्या है, क्योंकि पुल से कार गिरा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो भी बराबर जीरो हो गया, प्लस जी का मन 10 और टी का मन 10.8, ई उड़ा दीजिएगा तब तो 10 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी वेलोसिटी कितना हो गया भाई, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। किसी ऑप्शन में 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर क्या होगा, जब कार पृथ्वी पर गिर रहा होगा तो टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा, टकराने से पहले उसका वेग हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। पक्का ना, कितना हो जाएगा बाबू रे, टकराने से पहले की बात किया तो टकराने से पहले उसका वेग क्या हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसमें हमेशा एक बात याद रखना बाबू, एक बात इसमें हमेशा याद रखना, क्या कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो वहां पर यू का मान जीरो होगा। ध्यान देना, ऊपर से नीचे, ऊपर से जब नीचे कोई वस्तु आएगा तो यू का मान क्या होगा, जीरो।
यू का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर, ये सब डाटा कॉपी में लिखिए बाबू, ये दिमाग में सेव कीजिए, कॉपी पर लिखिए कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा? जीरो हमेशा होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग का मान जीरो होगा, या फिर क्वेश्चन लिख देगा कि इस स्पीड से वह नीचे की ओर आ रहा है, बात बुझे। यदि नीचे से ऊपर की बात करेगा, कि नीचे से ऊपर की बात करेगा तो गौर कीजिएगा, जब मान लिया ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम ऐसे करके फेंके तो एक समय ऐसा आया जहां पर उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, उसके बाद वो लौटा तो अंतिम वेग इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में भी का मान क्या होता है? जीरो। गौर कीजिएगा, जब नीचे से ऊपर वस्तु को फेंकेंगे, जब नीचे से वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग क्या होगा? जीरो, यानी भी का मान क्या होगा? जीरो। ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी? क्लियर हो गया तो इस तरह समझ गए, यहाँ पर भी बराबर यू प्लस जीटी होगा, क्योंकि वस्तु को क्या हुआ था? ऊपर से नीचे आया था, ऊपर से नीचे आएगा तो डायरेक्शन पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन निगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8 मीटर प्रति सेकंड। पक्का ना? चलिए अगले सवाल पर ध्यान देंगे। ये सवाल कहता है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, ध्यान देना बुआ, ये कहता है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर तरफ ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर, यानी एक बॉल के बारे में बोल रहा है कि बॉल को नीचे से कहां फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जिसमें उसका वेग कितना दे दिया? 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर एक बॉल को फेंक रहे हैं। तो कहता है बताइए 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? यानी आपसे किसके बारे में पूछा? कि बॉल को जब फेंके 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से तो 3 सेकंड के बाद बताइए कि उसका हाइट क्या होगा, यानी आपसे ऊंचाई पूछ रहा था। क्या दे दिया? गौर कीजिएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर आप फेंके तो यू का मान कितना दे दिया भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, 3 सेकंड के बाद तो टी का मान कितना हो जाएगा भाई? टी का मान हो जाएगा 3 सेकंड। तो क्वेश्चन क्या बोला कि बताइए विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी आपसे एच का बारे में पूछा कि बताइए उसका ऊंचाई क्या होगा। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, एच बराबर फॉर्मूला होता है यूटी प्लस ऊपर, क्या बोला? ऊपर की ओर फेंका गया, तो जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो गौर कीजिएगा, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो पृथ्वी के गुरुत्व के विरोध में आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। जब पृथ्वी के गुरुत्व के विरोध में काम कीजिएगा तो वहां पर जानते हैं साइन निगेटिव होगा, एच बराबर हो जाएगा यूटी, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका गया था तो यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। एच बराबर फॉर्मूला क्या होगा? यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। कहेगा सर माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो निगेटिव साइन होता है, और ऊपर से छोड़ा जाता है तो पॉजिटिव साइन होगा। बॉल को छोड़ दिया जाएगा तो सारा साइन पॉजिटिव, अब बॉल को ऊपर फेंका जाएगा तो सारा साइन निगेटिव, और जब ऊपर फेंकते हैं तो भी का मान जीरो और यू का मान तो दिया हुआ था, तो एच बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। यू का मान कितना भाई? 20 हो गया, गुने टी का मान कितना? तो 3 सेकंड गुना 3 माइनस 1/2 गुना जी का मान कितना होता भाई? पृथ्वी के लिए जी का मान 10 होता है तो गुने 10, और टी का मान कितना? 3 का स्क्वायर, तो 3 तियाई कितना? 9। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब क्या हो गया भाई, 20 तिया हो गया 60, घटाओ काट दीजिए 5, 9 5 45, 9 5 चूंकि 3 है तो 3 तिया 9 भाई, 9 5 45, 9 5 45, तो 7 घटाओ क्या हो जाएगा भाई? 45, ये हो गया 5, आई हो गया 1, ये हो गया 15, 15 मीटर है क्या? ऑप्शन नंबर बी में है, अतः आंसर क्या होगा कि उस बॉल कितना ऊंचाई तक गया, तो आंसर क्या होगा? 15 मीटर ऊंचाई तक क्या होगा? उसका विस्थापन होगा। पक्का ना? फिर एक बार समझिएगा, क्या समझिएगा कि यदि बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाएगा, एकदम हड़बड़ाइए नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
देखिए आरआरबी ग्रुप बी 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हड़बड़ाइएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए यदि मामला गड़बड़ाना नहीं है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। गौर से समझिए क्या बोला कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, तो हम क्या बताए थे कि यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंकिएगा तो जितना फॉर्मूला यूज होगा चाहे v के लिए, u के लिए, h के लिए, a के लिए, सब के लिए सिंबल वहां निगेटिव होगा। तो इट क्लियर था कि फॉर्मूला जब ऊंचाई पूछ रहा था तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें तीन फॉर्मूले यूज होता है। कौन कौन? एक होता है v बराबर u माइनस gt, यदि वस्तु नीचे से ऊपर आप फेंकिएगा तो v बराबर u माइनस gt, यदि वेग की बात पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, और दूसरा होता है h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला यूज होता है कब? जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं। तो सारा सिंबल देखिए निगेटिव है ना, v बराबर u माइनस gt, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये तीन ही फॉर्मूला यूज होगा, और इसको आप नोट करके आप अपनी डायरी में, आप अपनी कॉपी में लिख लें। किस कंडीशन के लिए? जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो गति समीकरण क्या होगा? v बराबर u माइनस gt, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। किसके लिए? जब नीचे से ऊपर की ओर, किधर की ओर बाबू ध्यान रखेंगे? नीचे से ऊपर की ओर। जब नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो यही तीनों फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो उसी में से वो अप्लाई हो गया। अब डाटा क्या दिया था कि 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके, तो यू का मान दे दिया 20। बोला 3 सेकंड के बाद ऊंचाई क्या होगा, हाइट पूछ रहा था, यू का मान दे दिया, टी का मान दे दिया। अब पृथ्वी के लिए जी का मान आपको पते है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर देंगे। एच बराबर यू की माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता चल गया कि वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो सारा सिंबल निगेटिव होता है, तो एच बराबर यू की माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया यू का मान 20, टी का मान 3। 20 या 7 मंड एक बता दो, जी का मान 10 गुने टी का मान 3, लेकिन 3 का स्क्वायर है टी स्क्वायर, तो 3 की 9 काट दिए थे, 5 बार 9 5 45। आई था 20 या 7, तो 7 घटा 45 बराबर कितना? 15 मीटर। तो ऊंचाई कितना निकल गया रे बउआ? तो ऊंचाई निकल गए 15 मीटर। पक्का ना? चलिए, तो सारे बच्चे को ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं एकदम 100% दिमाग में सेट हो गया होगा। पक्का ना? चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा बाबू। अगला सवाल कहता है, गौर फरमाना ध्यान लगाना, कहता है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु, कहता वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, तो क्लियर है कि वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो सिंबल सम निगेटिव होगा, यानी फॉर्मूला में क्या यूज होगा? निगेटिव डाटा यूज होगा। तो कहता यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 9 मीटर प्रति सेकंड है, यानी यू का मान कितना दे दिया भाई रे? यू का मान दे दिया 14 मीटर प्रति सेकंड। यू का मान कितना दे दिया? 14 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। तो कहता उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्या पूछ रहा था? टाइम पूछ रहा था, टाइम व्हाट। और जी का मान कितना होता है? जब पृथ्वी की सतह से फेंका गया तो जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गौर करना बउआ, यहां पर देखो यू का मान दे दिया था कि 14 मीटर प्रति सेकंड से वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, तो यू का मान कितना हो गया? 14 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कहता कितना समय बाद, यानी टाइम पूछ रहा था कि कितने समय के बाद वह फिर क्या होगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, यानी जहां से उसको फेंका गया फिर वो वापस आ जाएगा, उसमें टाइम कितना लगेगा। तो जब वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो जी तो यहां काम करवे करेगा, जी कितना काम करेगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर काम करेगा। तो टी निकल जाएगा क्या? एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, वी बराबर यू माइनस जी टी, पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, बिल्कुल अभी तुरंत बताए थे, वी बराबर यू माइनस जी टी, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। कहेगा क्या है मास्टर साहब,
क्योंकि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो बताए थे ना कि एक ऐसा बिंदु होगा जहां जाकर उसका वेग जीरो हो जाएगा और तबे जाकर वह वापस आएगा। तो यहां भी का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां भी का मान जीरो काहे होगा? क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया था। जब यह वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक बिंदु पर उसका मान जीरो होता है और उसके बाद वहां से वो रिटर्न मारता है। तो भी का मान हो गया जीरो, तो जीरो बराबर हो गया यू का मान कितना 14 माइनस जी का मान 10 गुने क्या टी। अब देखिए जीरो बराबर 14 घटाओ 10 टी हो गया, तो क्या आप 10 टी बराबर 14 नहीं कर सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब 10 टी बराबर 14 हो गया तो टी बराबर 14/10, 14/10 का मतलब 1.4, यानी टाइम का मान कितना निकला 1.4 सेकंड निकला है। 1.4 किसी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, हाँ है, 1.43 आ गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1.4 सेकंड। कहेगा काहे मास्टर साहब? क्योंकि यू का मान दे ले था 14 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंके थे। तो जब ये वस्तु को ऊपर की ओर फेंके थे तो अतंदर पहले आपको बताए थे बुआ रे याद रखना, लिख के रखना डायरी में, यदि वस्तु को नीचे से की ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अंतिम वेग का मान जीरो होता है। जी तो 10 मीटर प्रति सेकंड काम करवे करेगा, समय पूछा था। तो भी बराबर यू माइनस जी टी, भी बराबर यू माइनस जी टी। कहेगा मास्टर साहब माइनस काहे दिए? क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके थे। तो बोले थे सारा सिंबॉलिक डाटा जो है माइनस में होगा। तो भी बराबर यू माइनस जी टी, भी का मान जीरो, यू का मान 14, जी का मान 10, टी का मान तो पूछिए रहा था। तो 10 टी बराबर 14, तो टी का मान निकल गए 1.4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। पक्का ना? एकदम 100%। चलिए इसी तरह से डेली आप 8 बजे मेरा साथ दीजिए। यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं लेगा जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। एकदम कंटिन्यू रात के 8 बजे आप मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा और जो न्यूमेरिकल आपका छूट गया है, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का कोई टॉपिक, आप कॉपी लेकर बैठिए और उन सारे न्यूमेरिकल को बनाइए, एकदम 100% बनाइए। पक्का ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए बाबू सवाल आपको, ये सेम सवाल है दोनों, क्या अच्छा सेम सवाल पेस्ट हो गया बाबू। आरआरबी एलपी और टेक्निशियन में ये पूछा गया सवाल है। अभी जो सवाल अभी हम आपको बताए थे वही सवाल है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/4। यही क्वेश्चन रहा था कि 4 मीटर प्रति 14 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंका गया तो कितना समय बाद वो वापस चला आएगा। अभी जो बताए थे फॉर्मूला कौन वाला, भी बराबर यू माइनस जी टी, सेम वही सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा? 1.4। ये एलपी टेक्निशियन 2018 का पूछा गया सवाल है। पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना बुआ, ये सवाल कहता है कि एक लंबवत फेंका गया गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट जाती है तो फेंके जाने की गति क्या होगा। कहता एक लंबवत किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो कहता है कि 10 सेकंड के बाद, कितना के बाद बोला? बोला 10 सेकंड के बाद वो पृथ्वी पर लौट जाती है। तो गौर करना, टाइम यहां पर दे दिया आपको 10 सेकंड का। टाइम कितना दे दिया? 10 सेकंड दे दिया। अब कहता है वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, यू का मान आपसे पूछा, यू का मान क्या हो जाएगा वाट पूछा, और भी का मान तो क्लियर है जीरो होगा। बी का मान क्लियर है जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है। इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा था और समय कितना दे दिया? 10 सेकंड का दे दिया। और जी का मान तो पते है, जी यहां काम करेगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी कितना काम करेगा? तो जी काम करेगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो प्रारंभिक वेग नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा। कौन फॉर्मूला से निकलेगा? तो भी बराबर यू माइनस जी टी, एलपी टेक्निशियन 2018 का पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त, इसलिए आराम से देखेंगे। भी बराबर यू माइनस जी टी होगा। भी का मान जीरो, यू का मान पूछिए रहा था, माइनस जी का मान 10 और टी का मान 10। तो यू बराबर कितना हो गया? 10 × 100 यानी 100 मीटर प्रति सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना निकल गया? 100 मीटर प्रति सेकंड। किसी ऑप्शन में है क्या? 100 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर सी में है। अतः आंसर क्या हो गया? 100 मीटर प्रति सेकंड। कैसे हुआ ध्यान दीजिए, समय कितना दे ले था? 10 सेकंड का। प्रारंभिक वेग तो आपसे पूछिए रहा था, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका गया तो जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाए तो अंतिम वेग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जीरो होगा। तो भी का मान हो गया जीरो। और जी कितना काम करता है? उस वस्तु को खींचने में जी काम करता है, खींचने में जी काम करता है।
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो जी का मान पते है भी बराबर यू माइनस जी टी, भी का मान जीरो, यू का मान पूछ ही रहा था, 10 गुना 10 10 दें 100, इन यू का मान हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर सॉरी 10 दें 100 यानी 100 मीटर प्रति सेकंड, पक्का ना 100%। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आप समझ गए और इसका आंसर कितना आ गया 100 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम से देखना, गौर फरमाना ध्यान लगाना, गौर फरमाना ध्यान लगाना। कहता है यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ ऊपर फेंका गया, कहता एक बॉल है उसको 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या किए ऊपर की ओर फेंके, बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, इसका मतलब है यू का मान कितना दे दिया 40 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। कहता ऊपर की ओर फेंका जाता है 6 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद टाइम दिया आपको 6 सेकंड का दे कि 6 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी आपसे क्या पूछा कि 6 सेकंड के बाद बताइए उसका हाइट क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी ऊंचाई के बारे में पूछा। ये जो विस्थापन, कौन विस्थापन है, जब वस्तु को फेंके तो मान लिया जाए यहां से फेंके अब वस्तु यहां आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक की क्या पूछा डिस्प्लेसमेंट पूछा, यानी ऊंचाई आपसे पूछा, और ऊंचाई निकालने के लिए क्या बताए थे, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो एच बराबर हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच बराबर क्या होगा यूटी माइनस आप जी टी स्क्वायर, ऊंचाई तो पूछिए रहा था, जी का मान सबको पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी का मान क्या होगा बाबू रे तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब सबका मान दे ले है, पटपट एकरा में बैठाइए, यू का मान कितना है भाई 40 गुने टी का मान कितना 6, 40 गुना 6 माइनस 1 बट्टा 2 गुने 10 टाइम 6 है तो 6 के 36, इसको कर देंगे 5 बार में कट जाएगा, 6 चौक 24 240 घटाओ कितना 240, एक मिनट बाबू रे, 6 चौक 24 240 घटाओ कितना 36, 5 6 5 30 के सुनना बाकी 3 5 15 3 18, ई 240 में 180 घटा देंगे तो 20 40 कितना 60, तो ऊंचाई कितना मीटर आ गया बाबू रे, इसलिए ऊंचाई हो गया 60 मीटर है, किसी ऑप्शन में क्या 60 मीटर ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्का ना। क्या किए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या किए ऊपर की ओर फेंके, एकदम पूरा लास्ट तक देखिए, हर टाइप के क्वेश्चन से हम आपको अवगत करा देंगे, जितना भी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ग्रेविटी एंड मोशन ऑफ ग्रेविटेशन में, वो 100% सवाल यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा। देखिए एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बच्चा को ये लगता है कि सर ग्रुप डी में इतना हार्ड नहीं पूछेगा, रे बउआ पहले नहीं पूछता था लेकिन इस बार ग्रुप डी में इतना हार्ड पूछेगा, कहेगा काहे मास्टर साहब, क्योंकि सीट है एगो और फॉर्म भर ले है 1 लाख, सीट है 1 लाख और फॉर्म भरा है 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 1 लाख को नौकरी होना है, इसलिए मेरे दोस्त आपको इन सारे तरह के आसान से लेकर टफ तक सब सवाल बनाना पड़ेगा। हम गुरबक नहीं है, तुमको एलपी टेक्नीशियन का भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझको पता है जब एग्जाम हॉल से तुम निकलेगा और तुमसे सवाल बन जाएगा तो दिल से तुम दुआ देगा, और एक नहीं हजारों लोगों से तुम ये कहेगा कि यूट्यूब पर एक वैसे भी शिक्षक है जो जेन्यून बात बच्चे को बताते हैं और जेन्यून तरीका से पढ़ाते हैं बिना किसी बकवास का, वो लगातार सिर्फ क्लास से मतलब कोई खिस्सा अपने कोई लंग फन नहीं कोई लंग फन देवान कुछ ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, यकीन मानो तुम्हारी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, इसलिए सारे तरह के सवाल से अवगत आपको होना है, तो पूरी वीडियो को कंटिन्यू आप देखिए एकदम लास्ट तक आप पढ़िए, जब तक हम आपके साथ हैं तब तक आप मेरा साथ दीजिए बाबू, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं आप अपने लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि पैसा कमाइएगा तो हमको नहीं दीजिएगा, आप अपनी मैडम के अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा तो मैडम का अकाउंट गर्म होगा, इसके लिए अभी आपको गर्मा के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मैडम पूछेगी बड़ा मस्ती करते थे जवानी में पढ़ाई के समय में, अब लाइए लिपस्टिक 900 वाला लेक्मी कंपनी का, तब तरह समझ में आ जाएगा बोरे लेक्मी कंपनी का लिपस्टिक कहां से लाएगा, तो उसके लिए चाहिए मनी करेंसी चाहिए नोट चाहिए, और कब होगा जब तुम मेहनत करके पढ़ेगा
कमाएगा, जॉब करेगा तभी ना, नहीं तो बताओ ठेला रिक्शा चलाते चलाते प्राण निकल जाएगा रे बउआ। इसलिए बढ़िया से मेहनत करो, एकदम जी जान लगा दो बाबू। क्लियर हो गया? 60 मीटर आंसर आ गया, कोई कंफ्यूजन? अरे बुआ दे लेता इसमें कि 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया और 6 सेकंड के बाद क्या हो गया? बोला बॉल बताइए कितना ऊंचाई पर गया। तो यू का मान दे लेता, टाइम दे लेता, जी का मान पते है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेग से वो खींचता है। तो एच पूछा था, फॉर्मूला लगा दिए, एच बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की ओर गया था यहाँ, इसलिए यहाँ पर माइनस सिंबल क्या हो गया? निगेटिव। अब सबका मान बैठा दिए, काट कोट किए, जोड़ घटा के आंसर कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। कोई कंफ्यूजन? 100% आपको समझ में आ गया ना? पक्का ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपको समझ में आता है सब तो आप एकदम शेयर कीजिए बाबू रे, एकदम जितना मैक्सिमम हो सकता है आपसे, आपको व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, दिस हो, दैट हो, हर जगह से शेयर करके मुझे हर बच्चों तक पहुंचाने में आप लोग मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे भगवान है। विद्यार्थी एक शिक्षक के लिए भगवान होता है, नहीं तो आप समझिए विद्यार्थी भगवान है। जिस तरह से हम आपके लिए गुरुजी भगवान है, उसी तरह से आप भी मेरे लिए विद्यार्थी भगवान है। इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, जॉब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करके मुझे हर बच्चों तक पहुंचाने में आप मेरा मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आइए एक सवाल पर चलते हैं। कहता है कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। गौर कीजिएगा, कहता है कि 20 मीटर ऊंचा एक टावर है, तो टावर की ऊंचाई कितना दे दिया आपको? एच का मान दे दिया 20 मीटर। कहता है कि फेंकता है, मान लिया जाए यहां जी का मान इतना होवे करता, कोई दिक्कत नहीं है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करेगा वह वेग क्या होगा? यानी उस वेग के बारे में पूछा, जिस वेग से वह पृथ्वी पर क्या करेगा? हिट करेगा। यानी वस्तु को ऊपर से क्या किए? छोड़ दिए। वस्तु को जब ऊपर से छोड़ा जाए तो याद रखिएगा बाबू, हम बताए थे कि जब वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाएगा तो यू का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यू का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और पूछा आपसे क्या कि जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करेगा वो वेग, यानी भी का मान आपसे पूछा वाट, और जी का मान आपको पता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान सबको पता है ना भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यू का मान जीरो, क्योंकि जब वस्तु को छोड़ा जाता है तो वहां जीरो होता है। और भी का मान आपसे पूछा, तो भी निकालने के लिए फॉर्मूला जानते क्या होगा? एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये फॉर्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। कहेगा मास्टर सर यहाँ प्लस का है लिखे, क्योंकि वस्तु को ऊपर से छोड़ा गया था। जब वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है नहीं तो आपके जी जो होता है उस पर पॉजिटिव काम करता है। अरे जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब निगेटिव सिंबल, और जब ऊपर से छोड़ेंगे तब पॉजिटिव सिंबल। तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब गौर कीजिएगा, भी का मान तो निकालना ही था, हो गया भी स्क्वायर। यू का मान कितना हो गया? जीरो। जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, टू, जी का मान 10 और ऊंचाई कितना दे दिया? ऊंचाई दे दिया 20। तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? 10 दुना 20, 20 विसंगर 400। तो जब भी स्क्वायर का मान 400 है तो भी का मान क्या होगा? अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 का मतलब कितना? 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। किसका मान हो जाएगा? अंतिम वेलोसिटी, यानी वो वस्तु जब पृथ्वी पर टकराने लगेगा तो टकराने से हिट करने से पहले उसका वेग क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। है ऑप्शन में क्या? 20 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर ए में है। अतः वस्तु का अंतिम वेग जिस पर वो पृथ्वी पर हिट करेगा मतलब टकराएगा, तो टकराने के समय उसका वेग क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। गौर फरमाइएगा, फिर एक बार देखिएगा क्या क्या दिया। वस्तु के लिए टावर का ऊंचाई दिया, जहां से वस्तु को छोड़ा गया था, फेंका गया था, ऊंचाई दे दिया 20 मीटर। तो जब छोड़ा गया तब यू का मान वहां जीरो होता है। आप कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है वहां यू का मान जीरो होता है, और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो भी का मान जीरो होता है। तो यू का मान जीरो, भी का मान पूछ ही रहा था, और जी का मान सबको पता है कि पृथ्वी पर जो जी होता है स्मॉल जी, वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कई बार इस चीज का यूज भी हम लोग देखे थे जी के मान का, तो कोई कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा। अब देखिए भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। पक्का ना? नींद नहीं आ रहा तुम लोगों को? एकदम नींद नहीं लाना है, क्योंकि आपका एग्जाम आपके सर पर है। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो भी का मान पूछ रहा था, यू का मान जीरो, दो, जी का मान 10, एच का मान 20। सारा मन बैठा दिए, पट पट गुना किए, भी का मन कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। किस ऑप्शन में भाई? ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई कंफ्यूजन?
चलिए आगे बढ़ते हैं और खत्म हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, ये टॉपिक आपका था ग्रेविटेशन एंड मोशन ऑफ ग्रेविटेशन। इससे रिलेटेड सारे तरह के कॉन्सेप्ट जो है, ग्रेविटी से रिलेटेड सारे तरह का फॉर्मूला जो है, टॉपिक वाइज फॉर्मूला, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल, हर कुछ आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे कल यानी कल के डेट में रात के 8 बजे आपसे मुलाकात होगी और इस तरह से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लगातार इसी तरह से शुरू से अंत तक आप हर वीडियो में बने रहिए। जो न्यूमेरिकल आप नहीं देख पाए उसको जरूर देखिए। इसके अलावा स्टैटिक का या साइंस का जितना और भी न्यूमेरिकल ये थोड़ी बड़ी क्वेश्चन डालते हैं उसको भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ना जाने किस मोड़ पर हमारा यह टेक्निक, हमारा ट्रिक आपको काम आ जाए और आप एग्जाम में पास कर जाइए। इसलिए सारे वीडियो पर अपनी नजर बनाए रखिए, बढ़िया से देखिए, अच्छे से पढ़िए, उसका एक YouTube का एक नोट से तैयार कीजिए और एग्जाम के टाइम में सिर्फ उसको क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि जितना टॉपिक पढ़ाते हैं वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहता है। थैंक यू वेरी मच। आज की सुबह यहीं तक, फिर मिलते हैं।